बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं मोहम्मद आशिक, सीनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी अयूब रिसर्च फैसलाबाद। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको यकम से 10 फरवरी तक की, यानी कि पहले फरवरी के पहले 10 दिनों की मौसमी सूरत हाल से आगाह किया जाता है, क्योंकि मौसम के साथ ही सारी फसल गारे का मामला चलता है। मौसम देखें, ये 10 दिन जो है ना, पूरे मुल्क में आलमोस्ट मौसम क्लियर रहेगा और टेम्परेचर जो है ना, ये तदरीजन जो है ना, ग्रेजुअली ये बढ़ता जाएगा। मकई और सूरजमुखी और दीगर फसलों काश्त के हवाले से मैं समझता हूँ कि बेहतर सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अगले 2 हफ्ते दर्जा हरारत जो है ना, ये मुसलसल बढ़ेगा, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है कि गैर मामूली सूरत हाल नहीं है। अब देखें, लोअर लिमिट्स जो है ना, अगले 8-10 दिन के दौरान ये लोअर लिमिट्स जो हैं ये 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपर लिमिट्स जो है ना 26-28 तक हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो मुझे याद है कि बाद सालों के दौरान जनवरी के एंड पे जा 30 को टच कर जाता था, तो वो सूरत हाल नहीं है, कोई घबराने वाली। अल्लाह पाक ने रहमत की है, बारिश की है, उसके बाद जो है ना ये धूप है, ये बहुत ही मुफीद है। दर्जा हरारत रोज़ाना तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाएगा। अब देखें, 15 फरवरी के बाद जो है ना, 10 फरवरी के बाद हम अगर दोबारा टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आए ना, तो वो बेहतर है। आपको याद है कि पिछले साल 10 फरवरी के बाद जो है ना, 10 फरवरी के बाद ये सूरत हाल बन गई थी कि टेम्परेचर में जो है ना थोड़ा ज़्यादा सख्त, ज़्यादा इजाफा हो गया था। अभी कुछ भी हो सकता है, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह से यारी बना लें, बस काम ठीक हो जाएगा। पिछले साल अच्छी बारिश के बावजूद 2 बारिशें हुई थी, इस साल तो सिर्फ 1 बारिश हुई है ना, तो अच्छी बारिश के बावजूद जो है ना, आपने देखा कि गंदम का क्या हाल हुआ था। तो इस साल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हमारी गंदम की फसल अच्छी हो जाएगी।